तो फिर से हमारे एक नए वीडियो में आप लोग को स्वागत है। क्लास टेंथ के जो भी छात्र 2020 में एग्जाम दिए थे, तो वैसे छात्रों के लिए यहाँ पर मन में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर मैट्रिक का रिजल्ट यहाँ पर कब दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि कॉपियों का मूल्यांकन पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त कर लिया गया है। अब आप लोग को रिजल्ट से ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही यहाँ पर रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जाएगा बिहार बोर्ड के द्वारा। तो आप लोग चाहते हैं कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट जल्दी आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। तो यहां पर देख सकते हैं क्लास 10th वाले छात्रों के लिए एक बड़ी नोटिफिकेशन है, मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य पूरा। यहां पर आप लोगों को कॉपियों को मूल्यांकन, जैसा कि पता होगा कि 6 मई से स्टार्ट हुआ था, तो यहां पर पूरी तरह से कॉपियों को मूल्यांकन को समाप्त कर लिया गया है। अब जल्द ही यहां पर रिजल्ट आप लोगों को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। आखिर यहां पर इतना फास्ट कॉपियों को मूल्यांकन किया जा रहा है, ताकि रिजल्ट जो है सही समय पर दिया जाएगा। आप लोगों को 4 दिन से 5 दिन के अंदर यहां पर कॉपियों को मूल्यांकन, जितना भी बचा हुआ था पूरा कॉपियों को मूल्यांकन के प्रोसेस यहां पर आप लोग को समाप्त कर लिया गया है, और जल्द ही यहां पर रिजल्ट आप लोग को अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग को बताया गया है कि जिले में 6 मूल्यांकन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है। 2 दिन के अंदर अंकों का ऑनलाइन पोस्टिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। और विभागीय सूत्र ने बताया कि जिला में हरिदास सेमिनरी और इंटर, जैसे कि आप लोगों को बता दिया गया है, इतना जो सेंटर मूल्यांकन सेंटर बनाया गया था, यहां पर पूरी तरह से कॉपियों को मूल्यांकन को समाप्त कर लिया गया है। साथ ही साथ आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर बताया गया है कि लॉकडाउन के समय ही सरकार का आदेश पर 10 मई तक मूल्यांकन को 100% पूरा करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही ने इस आदेश को सभी 6 केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं का जांच का कार्य पूरा कर लिया। यहां पर आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कॉपियों को मूल्यांकन जितना भी आप लोगों को किया गया था, आप लोगों को पूरी तरह से कॉपियों को मूल्यांकन को समाप्त कर लिया गया। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को नियम को पालन करते हुए, जैसे कि पता होगा कि कोरोना वायरस के कारण आप लोग को इतना दिन रिजल्ट में वेट करना पड़ गया, और यहां पर आप लोग को जल्द ही कॉपियों को मूल्यांकन को समाप्त कर लिया गया। और आप लोग को ऑनलाइन पोस्टिंग के तहत से यहां पर आप लोग को रिजल्ट को बेहतर ढंग से आप लोग को तैयार किया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऑनलाइन पोस्टिंग होता है, जैसा कि मान लो कि आप लोग को मैथ का एग्जाम, मैथ का कॉपियों को मूल्यांकन हुआ, आज आप लोगों को पूरी तरह से 100 कॉपी को जांच हुआ, तो 100 कॉपी के जांच होने के बाद यहां पर ऑनलाइन पोस्टिंग किया जाता है रोल नंबर और लॉ कोड के अनुसार से, और डायरेक्ट यहां पर बोर्ड में भेज दिया जाता है। और इसके बाद आप लोग को सीरियल ढंग से आप लोग को रिजल्ट यहां पर तैयार कर लिया जाएगा। अगर आज मैथ का एग्जाम हुआ तो आज मैथ का जो भी कॉपियों को मूल्यांकन हुआ, तो यहाँ पर आप लोग को मैथ का आज ऑनलाइन पोस्टिंग कर यहाँ पर सीरियल ढंग से आप लोग को मार्कशीट को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद आप लोग को सोशल साइंस का, फिर हिंदी का, जिसी तरह से कॉपियों को मूल्यांकन जैसे जैसे होते रहता है, और उसी तरह से ऑनलाइन पोस्टिंग के तहत से यहाँ पर पूरी तरह से रिजल्ट को एक बार साथ ही साथ तैयार कर लिया जाता है। इसके तहत यहाँ पर जल्द ही बिहार बोर्ड द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से जल्द ही आप लोग को बहुत ही फास्ट रिजल्ट दिया जाता है। तो छोटा सा नोटिफिकेशन था आप लोग को, जल्द ही यहाँ पर मैट्रिक वाले छात्रों के लिए आप ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपियों को मूल्यांकन पूरी तरह से समाप्त कर लिया गया और रिजल्ट जल्द ही अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो छोटा सा नोटिफिकेशन था आप लोग के लिए, जान लेना बेहद ही जरूरी था। तो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को किस तरह से रिजल्ट को चेक करना और किस वेबसाइट पर आप लोग को रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जाता है, सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस पर सबसे पहले बताया जाएगा। और ऑनलाइन प्रोसेस आप लोग को किस तरह से एडमिशन लेना है 11th में, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोग को दिया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।